नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज। आई नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। ग्रेटर नोएडा में पेरेंट्स एसोसिएशन ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि योगी सरकार का बुलडोजर अवैध संपत्ति के मालिकों पर माफियाओं पर चढ़ रहा है, लेकिन शिक्षा माफिया जिस कदर से अपना जाल फैलाकर लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पर सरकार का बुलडोजर आखिर कब चलेगा। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि आए दिन चोरी की कई वारदातों को अंजाम देकर चोर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। मिहिर भोज डिग्री कॉलेज के पास चोर ने एक युवक की बाइक पर हाथ साफ कर दिया। चोर की ये कारतूस पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ग्रेटर नोएडा में बनने वाले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम काफी तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट के काम में तेजी लाने के लिए नगला गणेशी गांव में कई पेड़ों को हटाने का काम किया जा रहा है। रनवे के बीच आने वाले पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। 1 मई को मनाए जाने वाले श्रमिक दिवस के मौके पर कानपुर देहात में काम कर रहे कई मजदूरों का दर्द देखने को मिला। मजदूरों ने बताया कि सरकार की ओर से कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनका सीधा लाभ हम तक नहीं पहुंचता है। मनरेगा योजना के तहत मिलने वाले काम को ही प्रधान अपने चहेतों को दिलवा रहा है, ऐसे में हमारे लिए तो काम ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में आईपी अमन सोसाइटी के बाहर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट की ये पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मिर्जापुर में फैमिली के साथ मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए पहुंचे जौनपुर के रहने वाले एक परिवार के 2 सदस्यों की गंगा नदी में स्नान करने के वक्त डूबने से मौत हो गई। गंगा नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झांसी के दौरे पर पहुंचे प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सर्किट हाउस में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक कर मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश और शिवपाल को भाजपा में लेने पर कहा कि वो अखिलेश को सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि देश में जैसी हालत राहुल की है वैसे ही प्रदेश में अखिलेश की हो गई है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि प्रदेश में अवैध व जहरीली शराब पर रोक के लिए सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं। महाराजगंज के फरेदा कस्बे में हरियाली पेट्रोल पंप के सामने प्रॉपर्टी डीलर ने दिल्ली में रहने वाले एक शख्स की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। शख्स को जानकारी मिलते ही उसकी शिकायत लेखपाल और कानून गो से की गई, जिसके बाद पुलिस बल की मौजूदगी में जमीन की पैरामाइश की गई। यूपी के कई जिलों में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक कर खास निर्देश दिए हैं। नोएडा में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के कारण 31 मई तक धारा 144 लगा दी गई है। राजधानी लखनऊ में भी माउंट फॉल्ट स्कूल में क्लास 7 के छात्र की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 3 दिवसीय विदेश यात्रा के पहले दिन जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां पहुंचकर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। पीएम का बर्लिन के होटल एडलॉन में भारतीय समुदाय के लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आज 4 धाम यात्रा मार्ग पर मुफ्त स्वास्थ्य सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम धामी ने बताया कि डॉक्टर्स की एक टीम और एम्बुलेंस को रवाना किया गया है, जो 4 धाम पर आने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य की पूरी देखभाल करेगी। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन ने ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ना हनुमान चालीसा बंद होगा और ना ही अजान। ओवैसी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ओवैसी डायनामाइट में तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो हम भी फेविकोल से जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी कोई धर्म के ठेकेदार या मौलाना नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा, राघव चड्ढा और अशोक कुमार मित्तल ने आज राज्यसभा संसद पद की शपथ ली। राघव चड्ढा ने बताया कि मेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो चुका है। जो सफर जंतर मंतर की सभा से शुरू हुआ था, वो आज राज्यसभा तक पहुंचता है। मैं अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर लोगों से जुड़े मुद्दे उठाने का मौका दिया। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। धर्मेंद्र की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर उनके फैंस भी काफी निराश थे। फिलहाल धर्मेंद्र अब अस्पताल से वापस घर लौट आए हैं। इस दौरान धर्मेंद्र ने अपने दर्द को फैंस के बीच शेयर किया। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 जल्द ही सिनेमाघरों में नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो वहीं हाल ही में फिल्म के प्रमोशन के लिए कार्तिक चंडीगढ़ पहुंचे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दिल्ली का सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शाह को शनिवार की लखनऊ के खिलाफ एक मैच के दौरान आईपीएल की आचार संहिता का उल्लंघन करने के चलते फटकार के साथ मैच की फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है। मैच में दिल्ली कैपिटल्स को लखनऊ की टीम ने 6 रनों से हराकर आईपीएल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने की दिशा में कदम बढ़ा लिया है। अक्षय तृतीया से पहले आज सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखी गई है और ये निचले भाव पर मिल रहे हैं। 3 मई को ईद और अक्षय तृतीया एक साथ मनाया जाएगा, ऐसे में सोना खरीदने वालों के लिए एक खुशखबरी वाली खबर सामने आई है। सोने के रेट में 1.30% की गिरावट देखी गई है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट अपने ग्राहकों के लिए 3 मई से 8 मई तक बम्पर ऑफर सेल करने वाला है। फ्लिपकार्ट ने इस सेल की शुरुआत होने से पहले ही इससे जुड़ा एक टीजर जारी किया है। इसमें आपको कई जरूरत की वस्तुओं पर अच्छे ऑफर देखने को मिलेंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहें माई भारत न्यूज़।